नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ कंपस पर। दोस्तों, हमारा मन बहुत पावरफुल है। यह एक ऐसा टूल है जो हमारी लाइफ को शेप करता है। हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस सब मन से ही ओरिजिनेट होते हैं। यह हमें सक्सेस दिला सकता है और प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। जब हमारा मन पॉजिटिव होता है तो हम हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं, लेकिन जब यह नेगेटिव थॉट्स से भरा होता है तो हम इजीली स्ट्रेस और एंजाइटी में फंस सकते हैं। मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर लें तो हम अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यह हमें क्लैरिटी और फोकस देता है, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यहां ध्यान हमारी हेल्प करता है। ध्यान एक पावरफुल प्रैक्टिस है जो हमें अपने मन को शांत करने और उसे कंट्रोल में रखने में मदद करता है। यह हमें इनर पीस और स्टेबिलिटी देता है। ध्यान एक ऐसी टेक्निक है जो मन को शांत और फोकस्ड बनाती है। यह हमें हमारे इनर सेल्फ से कनेक्ट करने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना उन्हें जज किए। ध्यान बहुत ओल्ड है और इसका बहुत महत्व है। यह प्रैक्टिस हजारों सालों से चली आ रही है और इसे कई कल्चर्स और ट्रेडिशंस में अपनाया गया है। यह हमें हमारे एंसेस्टर्स की विजडम से कनेक्ट करता है। ध्यान की हेल्प से हम अपने मन को समझ सकते हैं, अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं। यह हमें सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं। यह हमें हमारे इनर पीस को मेंटेन करने में मदद करता है और पीस पा सकते हैं। ध्यान हमें एक डीप सेंस ऑफ काम और ट्रैंक्विलिटी देता है। यह हमें हमारे डेली लाइफ के स्ट्रेस और वरी से ब्रेक लेने का मौका देता है। ध्यान कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, यह एक सिंपल प्रैक्टिस है जिसे कोई भी कर सकता है। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर, ध्यान हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। यह तो बहुत ईजी है, इसे कोई भी कर सकता है। बस आपको थोड़ी पेशेंस और रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। धीरे धीरे आप ध्यान में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे और इसके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करेंगे। बस थोड़ा पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत है। ध्यान एक जर्नी है और हर स्टेप पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यह आपको सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ की ओर ले जाएगा। आज हम मेडिटेशन के बारे में जानेंगे और इसके वेरियस टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ध्यान हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग को इम्प्रूव कर सकता है और समझेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। ध्यान हमें एक बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बनने में मदद करता है। यह हमें हमारे ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने का मौका देता है। लाइफ का आधार क्या है? सांस। जब तक हम सांस लेते हैं, हम जिंदा हैं। सांसें हमारे साथ हर समय होती है। ध्यान में हम अपनी सांसों को एक टूल की तरह यूज करते हैं। सांसों पर ध्यान लगाकर हम अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं। हम पास्ट के बारे में सोचना और फ्यूचर की चिंता करना छोड़कर बस अभी में जीना सीखते हैं। यह एक ब्रिज की तरह है जो हमें नेगेटिव थॉट्स से दूर शांति की ओर ले जाता है। ध्यान के लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। यह एक सरल प्रक्रिया है जो किसी भी समय और किसी भी स्थान पर की जा सकती है। ध्यान का मुख्य उद्देश्य आपके मन और शरीर को शांति और संतुलन प्रदान करना है। आप कभी भी कहीं भी ध्यान कर सकते हैं, चाहे आप घर पर हो, पार्क में हो या समुद्र के किनारे। ध्यान के लिए कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती, यह आपकी सुविधा और पसंद पर निर्भर करता है। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना ध्यान को और भी अच्छा बना सकता है, जैसे कि एक शांत और स्थिर वातावरण का चयन करना जहां बाहरी शोर और व्यवधान कम से कम हो। यह आपके ध्यान के अनुभव को गहरा और अधिक प्रभावी बना सकता है। सबसे पहले एक शांत जगह चूज करें जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। यह जगह आपके घर का एक कोना हो सकता है, एक शांत पार्क या कोई अन्य स्थान जहां आप आरामदायक महसूस करते हो। आप चाहें तो ध्यान के लिए एक स्पेशल जगह या कुर्सी यूज कर सकते हैं। यह एक विशेष कुर्सी, एक ध्यान चटाई या एक आरामदायक कुशन हो सकता है। यह आपके ध्यान के अनुभव को और भी सुखद बना सकता है। ध्यान के लिए जरूरी है आरामदायक पोजीशन। यह सुनिश्चित करें कि आप जिस स्थिति में बैठते हैं वह आपके शरीर के लिए आरामदायक हो और आप लंबे समय तक उस स्थिति में बैठ सकें। आप किसी भी आरामदायक पोजीशन में बैठ सकते हैं, चाहे वह पद्मासन हो
सुखासन हो या कोई अन्य मुद्रा जो आपके लिए सबसे अधिक आरामदायक हो। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें, अपनी पीठ सीधी रखें और आंखें बंद कर लें। यह आपके शरीर को स्थिरता और संतुलन प्रदान करेगा और आपके ध्यान को अधिक प्रभावी बनाएगा। ध्यान के दौरान अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन और शरीर दोनों ही शांति और संतुलन की स्थिति में आ गए हैं। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपनी सांसों को फील करो, जैसे वे आपके नाक से अंदर और बाहर जाती हैं। सांसों की स्पीड, टेम्परेचर और टेक्सचर को फील करने की कोशिश करो। शुरुआत में आपका मन इधर उधर भटक सकता है, आप अलग अलग विचारों में खो सकते हैं, यह नॉर्मल है। जब भी आपका मन भटके तो उसे वापस अपनी सांसों पर ले आओ। ध्यान करते समय आपके मन में तरह तरह के थॉट्स आएंगे, यह नॉर्मल है। विचारों को आने से रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें आने दो और जाने दो। अपने विचारों को बादलों की तरह समझो जो आकाश में आते जाते रहते हैं। आप बादलों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। बस अपनी सांसों पर ध्यान रखो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके विचारों के बीच का गैप भी आएच रहा है और आपका मन शांत हो रहा है। ध्यान कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक रेगुलर प्रैक्टिस है। शुरुआत में आपको ध्यान करने में मुश्किल हो सकती है, आपका मन बार बार भटक सकता है। निराश मत हो, पेशेंस रखो और प्रैक्टिस करते रहो। रोजाना केवल 5-10 मिनट ध्यान करने से भी आपको फायदा होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप ध्यान का समय बढ़ा सकते हो। ध्यान एक ऐसी यात्रा है जहां मंजिल से ज्यादा जरूरी है सफर। ध्यान करते समय कई प्रॉब्लम्स आ सकती है, यह एक कॉमन एक्सपीरियंस है जिसे लगभग हर कोई फेस करता है। ध्यान की जर्नी में यह जरूरी है कि हम इन बाधाओं को समझें और उनसे निपटने के तरीके सीखें। आपका मन भटक सकता है, आपका शरीर बेचैन हो सकता है या आपको नींद आ सकती है, यह सब नॉर्मल है। ध्यान के दौरान मन का भटकना एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। बेचैनी और नींद आना भी शरीर की प्रतिक्रिया हो सकती है। इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए जरूरी है कि आप पेशेंस रखो और खुद पर प्रेशर मत डालो। ध्यान का उद्देश्य खुद को समझना और शांति प्राप्त करना है, न कि खुद को किसी कंपटीशन में डालना। धैर्य रखना और अपने आप को समय देना महत्वपूर्ण है। अगर आपका मन भटकता है तो उसे वापस अपनी सांसों पर ले आओ। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना एक इफेक्टिव तरीका है जिससे आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस आपके ध्यान को गहरा और अधिक मीनिंगफुल बना सकती है। अगर आपका शरीर बेचैन है तो अपनी पोजीशन बदल लो। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना या लेटना ध्यान के अनुभव को बेहतर बना सकता है। अपने शरीर की सिग्नल्स को सुनो और उन्हें रिस्पेक्ट करो। याद रखो, ध्यान कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, यह एक पर्सनल जर्नी है जहाँ हर किसी का एक्सपीरियंस यूनिक होता है। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने खुद के प्रोग्रेस पर फोकस करो, यह खुद को समझने और पीस पाने का एक तरीका है। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर की शांति और संतुलन को पा सकते हैं। यह एक प्रोसेस है जो समय के साथ और प्रैक्टिस के साथ बेहतर होता जाता है। ध्यान में निरंतरता और समर्पण से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रोज ध्यान करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यह स्ट्रेस और चिंता कम करने में हेल्प करता है, एकाग्रता और याददाश्त बढ़ाता है और खुशी देता है। ध्यान से हम अपने मन को शांत करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और लाइफ को एक नए तरीके से देखना सीखते हैं। यह हमें खुद से जोड़ता है, हमें हमारी इनर स्ट्रेंथ का एहसास कराता है। ध्यान सिर्फ बैठकर ही नहीं किया जाता, आप इसे अपनी डेली लाइफ में भी शामिल कर सकते हैं। आप चलते समय, खाना खाते समय या काम करते समय भी ध्यान कर सकते हैं। जरूरत है तो बस अपने काम पर ध्यान देने की। उस काम को पूरी कंसंट्रेशन और अवेयरनेस के साथ करो, यह भी एक तरह का ध्यान है। ध्यान एक जर्नी है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको आपके अंदर ले जाता है। यह आपको आपकी रियल सेल्फ का एहसास कराता है।
यह आपको सिखाता है कि कैसे प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, कैसे अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करना है और कैसे लाइफ में पीस और हैप्पीनेस पाना है। तो आइए आज से ही हम इस जर्नी को शुरू करते हैं और ध्यान के थ्रू अपनी लाइफ को खुशियों से भर देते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण जीवन पाठ पर आधारित। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को बनाते हैं। सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को खुशियों से भरें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ कंपेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।